गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आपको आज हम बाइनोमियल मल्टीप्लाई बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 2a² - 5b² एंड a² + 3b², ठीक है। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, 2a² इन ब्रैकेट कर देंगे a² + 3b², ठीक है। एंड नेक्स्ट टर्म है इधर -5b² एंड यहाँ पे a² + 3b², ओके। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, ओके। तो 2 1 2 एंड a यहाँ पे भी है और ए यहाँ पर भी है, जब दोनों सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ए के पावर 4, ओके। प्लस यहाँ कोफिशिएंट 2 है एंड यहाँ 3 है, ठीक है। तो 2 3 6 एंड ए यहाँ तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसको ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। -5b² यहाँ पे 5b² एंड a², ठीक है। माइनस साइन ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। 5a² एंड b², ओके। यहाँ 3 है एंड यहाँ 5 है, कोफिशियंट का मल्टीप्लाई 15 एंड b² यहाँ भी है, b² यहाँ भी है, तो पावर ऐड हो जाएगी, b⁴, ओके। इसको लिख सकते हैं 2a⁴ -15b⁴ एंड यहाँ प्लस माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि देखिए जिसका ज़्यादा कोफिशियंट होगा वही उसी का साइन लेते हैं, ठीक है। यहाँ 5 एंड यहाँ 6 है, मतलब ये टर्म्स बड़ा है, इसलिए a² b² ठीक है, इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट है x⁴ - y⁴ एंड x⁴ + y⁴ सॉल्यूशन डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। x⁴ यहाँ x⁴ + y⁴ है, ओके। माइनस साइन नोट करते हैं, y⁴ x⁴ + y⁴ ओके। x⁴ यहाँ भी x⁴, तो पावर ऐड हो जाएगा x⁸, ठीक है। प्लस x⁴ यहाँ पे x नहीं है, y है, तो y⁴ ऐसे ही नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, y⁴ एंड x⁴, ठीक है। इसको भी ऐसे ही नोट कर लेते हैं, साइन माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है। y⁴ एंड y⁴, क्योंकि यहाँ भी बेस सेम है एंड यहाँ भी बेस है, ठीक है। तो दोनों की पावर को ऐड कर लेते हैं, y⁸, ओके। एंड देख रहे हैं ये दोनों सेम टर्म्स है इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x⁸ - y⁸, ओके। थर्ड है आपका क्वेश्चन, a² - b² एंड a - b, ओके। a - b, देखिए यहाँ सॉल्यूशन नोट करते हैं, a² - b² इन ब्रैकेट a - b, ओके। a यहाँ पर भी है, a यहाँ बेस सेम है इसलिए पावर को ऐड कर लेंगे, a का क्यूब, ओके। एंड a² यहाँ पे -b है, ठीक है, -a² b, क्योंकि यहाँ तो a नहीं है इसलिए पावर ऐड नहीं होगा, ठीक है। -b² यहाँ a, क्योंकि यहाँ पे इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, b नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं, b² a, ठीक है। एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस होता है एंड जब एडिशन के केस में लेते हैं तो माइनस 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 ही होता है, ठीक है। b² b, यहाँ पे b का क्यूब हो जाएगा,
तो ये आ गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस, कॉमन कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी एंड प्लस बी स्क्वायर ए। और अगर आप चाहें तो इसको और इजी टर्म्स में नोट कर सकते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ठीक है, माइनस कॉमन ही किए ए बी भी हम इसमें से कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। ए भी जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे बी, ओके, ये इसका आंसर। देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, एंड एडिशन के केस में लेंगे तो प्लस हो जाता है, बट उसको जो साइन से डिनोट करते हैं वो जो टर्म्स बड़ा होगा, अगर माइनस 13 माइनस 5 लेंगे तो माइनस जिसमें बड़ा, 13 में माइनस बड़ा है इसलिए माइनस का ही साइन वहाँ पर शो करेगा, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ है 3x² प्लस 2xy² एंड 8x माइनस 4y², ओके। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3x² प्लस 2xy² एंड इन ब्रैकेट 8x माइनस 4y², ओके। मल्टीप्लाई करेंगे, x का कोफिशियंट यहाँ पे 8 है एंड यहाँ पे 3, 8 का 3 में करेंगे 24x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x² यहाँ पे x है, ठीक है। अब 3x² को माइनस 4y से करेंगे तो नोटेशन माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है एंड यहाँ पे माइनस, तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। 4 का 3 में करेंगे 12x² y², ओके। इसके बाद में फिर प्लस 2x प्लस कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे x y दोनों कोफिशियंट है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो 8 का 2 में जब करेंगे 16, और यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x² y² ओके। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 8, x यहाँ पे नहीं है इसलिए x ऐसे लिख लेते हैं, y यहाँ पर भी है तो पावर एट हो जाएगी, ठीक है, ये इसका आंसर। ये देखिए इसकी और सॉल्व होगा, 24x³ ओके, ये माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्योंकि 16 बड़ा है, तो प्लस 4x² y² माइनस 8xy⁴, ओके। थैंक यू, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए एंड शेयर करिए।